नमस्कार दोस्तों, K4 Tech में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये एक छोटा सा रेडियो है। ये अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया है। ये iBell कंपनी का है, लेकिन सेम यही, मतलब एक्चुअली ये इंडिया मेड नहीं है, चाइना मेड है। तो यही रेडियो जो है वो अलग अलग नाम से अमेज़ॉन पे बेचा जाता है, जैसे कि पगारिया नाम से बिकता है, ऑनिंग्स नाम से बिकता है, iBell नाम से बिकता है, और एक दो ब्रांड और हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ है, चाइना से आके लेबल चेंज होता है और ऐसे कैसे जो है बेचा जाता है। तो मैंने एक ही ऑर्डर किया है। इसमें रेडियो है जिसमें FM, AM और शॉर्ट वेव है। इसमें साथ में MP3 प्लेयर है जो आप USB से भी चला सकते हैं और SD कार्ड से भी। तो ये भी हम इस वीडियो में टेस्ट करेंगे। और तीसरा है कि ये ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी काम करता है, तो हम इसको फ़ोन में कनेक्ट करके ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी टेस्ट करेंगे। तो हम तीनों को टेस्ट करते हैं, पर पहले हम एक क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बहुत ही चीप से जो है पैकेट में आया है। कोई भी अंदर जो है वो एक्स्ट्रा जो कुशनिंग नहीं है इस डब्बे के अंदर। सीधा ये डब्बा है, देखिए। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये है AM, FM और शॉर्ट वेव 3 बैंड रेडियो है इसमें। इसमें स्पीकर है जो मैंने बताया, ब्लूटूथ से भी चलता है, USB से भी, और ये मेमोरी कार्ड का जो microSD कार्ड है वो लगाने का भी है। और इसमें रिचार्जेबल जो है बैटरी लगती है, और एक डी साइज़ बैटरी भी लगती है, तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे इसके कुछ और डिटेल्स वगैरह लिखे हुए हैं। इस पर MRP जो लिखा है वो है 2790 रुपये का, लेकिन मैंने इसे अमेज़ॉन से 1510 या इसके आसपास ही कुछ रुपए में, मतलब लगभग 1500 के आसपास में मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा है। ये अलग अलग ब्रांड्स में सेम चीज़ है। एक्चुअली आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको सेम दिखाई देगा, सिर्फ ये आगे का ये जो फ्रेम है ये किसी में इस तरह का है, किसी में यहाँ पे जो है वो गोला है। तो बट दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, एक मिनट। ओके, तो ये देखिए, सबसे ऊपर कुछ केबल है। ये किस चीज़ का केबल है ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे। और ये कुछ, ये रेडियो होगा और ये कुछ पेपर वर्क है। तो अभी मैं इसे साइड में रखता हूँ। थोड़ा सा पहले ये पेपर वर्क देखते हैं क्या है। विंटेज रिचार्जेबल रेडियो, कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये कुछ वारंटी का है, वारंटी में क्या इंक्लूडेड नहीं है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और ये वारंटी कार्ड है जो कि भरा हुआ नहीं है ऑब्वियसली। इनका कस्टमर सपोर्ट नंबर भी पीछे दिया हुआ है। और ये जो मैंने iBell से ऑर्डर किया है, तो ये iBell वालों का कस्टमर सपोर्ट है। ये खोलते हैं हम, ये केबल है। ओके, तो ये जो है ये पावर केबल है, आप देख सकते हैं। और ये है रेडियो। एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली इसको ऐसे पैक किया है, इसको खोलने में मुझे अब ये डर ये लग रहा है कि कहीं खोलते में कुछ कट ना जाए कहीं। तो यहाँ पे ये बबल रैप है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। और एक और बबल रैप है इसके अंदर, तो बहुत सारा। तो एक्चुअली iBell वालों ने पैकिंग तो अच्छी की है, मानना पड़ेगा। और इस बबल रैप को भी मैं काट देता हूँ। ओके, तो ये बबल रैप भी हटा लिए। तो ये देखिए, ये इस तरह का जो है वो आया है। और ये इसके साथ में इसका पावर केबल है, इसमें चार्जेबल बैटरी भी है अंदर। 6 मंथ की एक्स्ट्रा वारंटी है, केवल उनके लिए जो हमारे वेबसाइट पर या टोल फ्री पर व्यवहार नंबर से रजिस्टर करेंगे। तो अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी मिलेंगी। आगे से आप देखें तो क्यूट सा है एक्चुअली, काफ़ी क्वालिटी में बोलूँगा। एक्चुअली मुझे आशा नहीं थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी होगी। वेट भी ठीक है, और क्वालिटी मतलब मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, मैं बस बोलूँगा कि देखने में एवरेज सी क्वालिटी लग रही है। ये जो है इसकी ट्यूनिंग का जो नॉब है वो स्ट्रांग है, मतलब अच्छा रेजिस्टेंस है। तो इसकी भी क्वालिटी ठीक लग रही है वैसे मुझे। नीचे कुछ नहीं है, पीछे आप देखिए यहाँ पे स्टिकर चिपकाए हुए हैं 2, जैसे मैंने आपको बोला कि ये चाइना का प्रोडक्ट है, सिर्फ यहाँ पे स्टिकर लगते हैं इस पर।
तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट रेडियो, मॉडल नंबर है इसका IBL FM 700 BT, और एसी के केबल से भी ये चलता है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये देखिए ये ओपन होता है इस तरह से, तो ये जो है यहाँ पे आपके डी साइज जो सेल होते हैं, जो बड़े वाले सेल होते हैं, जो इतना मोटा सेल होता है, इतना बड़ा सेल होता है, जो डी सेल बोलते हैं, आप अमेज़ॉन पे जो है देखेंगे तो आप दो डी सेल भी आप लगा सकते हैं अगर आप कहीं लंबा ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ जहाँ आपको चार्जिंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं हो। और यहाँ पे आपका जो है ये इनपुट वाला केबल आपका यहाँ पे लगेगा। तो पीछे ये आपका एंटीना हो गया है। ये अभी हम इसको पूरा जब टेस्ट करेंगे तब हम इसका एंटीना वगैरह सब देखेंगे। इस तरफ जो है वो कुछ नहीं है, इस तरफ आपका ये एक ये नॉब है। नॉब की क्वालिटी चीप है फ्रेंकली, और मुझे लग रहा है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, दो चार बार ऊपर नीचे करने में शायद टूट जाएगा। जैसे इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, नॉब की क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। ये वॉल्यूम का जो है बटन है, आपने पूरा ऊपर करके ये ऑफ हो जाता है। जैसे पुराने ज़माने में रेडियो को होता था कि ऑन करेंगे और फिर आगे वॉल्यूम बढ़ती है, और इस तरह से ऑफ और वॉल्यूम। जब ये चार्जिंग पे लगा होगा डीसी 5 वोल्ट से, अगर आप जो है कोई डीसी के पिन वाला यूएसबी वाला अडॉप्टर, अगर जो यूएसबी और दूसरे साइड डीसी वाले पिन हो तो वो आप लगा के भी सीधा आप इसे चला सकते हैं। तो वो अगर आप चार्जिंग यहाँ से हो रही है या यहाँ से हो रही है तो ये चार्ज वाली लाइट ऑन होगी, वो भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें यहाँ पे ये जो है सबसे नीचे शॉर्ट वेव है, ये स्टेशन है, ये इसके ऊपर जो है AM है, इसके ऊपर FM है, और सबसे ऊपर ब्लूटूथ में चला गया है। तो अगर आपको ब्लूटूथ से प्ले करना है, या यहाँ पे आपको MP3 प्लेयर USB में लगाना है, या SD कार्ड लगाना है, तो आपको इसको सबसे ऊपर वाले में रखना है। लेकिन अगर रेडियो मोड में यूज़ करना है तो आप नीचे वाले किनी में भी रख सकते हो। तो ये हो गया। ऊपर चार बटन हैं, ये प्ले एंड पॉज का बटन है, फॉरवर्ड, रिवाइंड, ये M बटन है। M बटन क्या है मुझे नहीं मालूम है, म्यूट का होगा शायद, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए मैं ये केबल कनेक्ट करता हूँ और फिर अपन इसे देखते हैं क्या क्या इसका क्वालिटी है। वाओ, आवाज़ तो एकदम तेज है। ये ब्लूटूथ पे है तो अभी हम ब्लूटूथ पे नहीं, सबसे पहले हम FM पे जाते हैं और थोड़ा सा इसका एंटीना खोलते हैं। काफ़ी लंबा एंटीना है। ओके गाइस, तो थोड़ा सा रिसेप्शन पकड़ने में ये जो पॉइंट है ये इतना सेंसिटिव नहीं है जितना मुझे लग रहा था। तो रिसेप्शन जो है वो स्टेशन पकड़ने में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है उसको, मतलब बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट पे, लेकिन आवाज़ अगर जब पकड़ लेता है तो आवाज़ तो हमें लगता है हम प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है और उसके लिए हम कर, लेकिन दूसरों की अपेक्षाओं को नीच करते जाना, बापरे आवाज़ काफ़ी तेज है, मतलब छोटे से स्पीकर में बहुत आवाज़ है। तो आवाज़ के मामले में और बेस भी अच्छा है तो ये हो गया FM। अब हम इसका जो है AM पकड़ते हैं। AM में मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेशन अभी आता होगा, बट फिर भी एक बार घुमा के देखते हैं। ओके, तो कोई स्टेशन तो पकड़ा है, तो AM में भी कोई स्टेशन पकड़ा है, लेकिन आवाज़ एज यूजुअल रेडियो में AM में सही नहीं होती है। शॉर्ट वेव में तो कोई आशा नहीं है मुझे, पर चलो फिर भी शॉर्ट वेव भी ट्राई कर लेते हैं। ओके ग्रेट, तो FM में भी एक स्टेशन पकड़ा है, आवाज़ क्रिस्प क्लियर है। AM में जो स्टेशन मैंने पकड़ा आवाज़ ज़्यादा साफ नहीं थी। शॉर्टवेव में भी एक स्टेशन पकड़ा है, आवाज़ क्लियर है, मतलब जो रेडियो की आवाज़ होती है आप उसे अगर लेटेस्ट स्पीकर से कंपेयर करेंगे तो नहीं, रेडियो के हिसाब से तीनों आवाज़ें जो है वो अच्छी है, क्लियर है, और वॉल्यूम रेडियो की इस साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टेस्ट जो कि रेडियो का था। अब हम देखेंगे कि ये USB के साथ कैसा चलता है। तो ये मेरे पास एक USB ड्राइव है और एक मेरे पास ये microSD कार्ड है। तो पहले हम USB में देखते हैं। अगर हम यहाँ USB लगाते हैं और इसको सबसे ऊपर रखते हैं और ऑन करते हैं, म्यूजिक, द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। अब ये मुझे पता नहीं ब्लूटूथ बोल रहा है, अगर मैं प्ले बटन दबाऊंगा तो ये तो शायद ब्लूटूथ को सर्च कर रहा है, शायद मोड से M से मोड चेंज होता हो। लेट मी ट्राई म्यूजिक,
The Bluetooth device is ready to pair. Music. The Bluetooth music. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. भाई ब्लूटूथ तो ठीक है, हम यूएसबी कैसे प्ले करें नहीं मालूम पड़ रहा है मुझे। तो यूएसबी से मुझे नहीं मालूम पड़ा कि कैसे प्ले करते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा के देखते हैं एक बार। म्यूजिक ओके ग्रेट। तो ओके तो माइक्रो एसडी कार्ड से जो है वो चल गया है और वही एम बटन दबा के ही चला है। तो ये इसको फिर से दबाता हूँ। तो ये M जो है ये आई थिंक ब्लूटूथ और इसके बीच में स्वैप करता है। तो जैसे एक बार मैंने दबाया तो अभी ये ब्लूटूथ पे आ गया, मैं फिर से दबाता हूँ तो ये म्यूजिक पे आ गया। तो अभी ये जो माइक्रो एसडी कार्ड है उससे प्ले कर रहा है। मेरे यूएसबी ड्राइव से क्यों नहीं प्ले किया मुझे नहीं मालूम, पर एक बार फिर से मैं ट्राई करके देखूंगा। लाउड लाउड वेरी लाउड, तो काफी आवाज है। लेट्स ये पॉज करने का है। यहाँ पे एम पी थ्री प्लेयर की लाइट जल रही है, अगर इससे प्ले कर रहा है तो ये दोबारा प्ले करने का बटन है, ये नेक्स्ट जाने का। आवाज के मामले में तो बॉम्ब है भाई, 1500 में आपको ब्लूटूथ स्पीकर में नहीं मिलता इतनी आवाज वाला। लेकिन गाने में आगे पीछे जाने का कोई वो नहीं है, ये दबाएंगे तो वो प्रीवियस सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग एंड नेक्स्ट सॉन्ग। तो आगे पीछे जाने का पॉज पॉज प्ले और ये मोड चेंज, ठीक है। तो एसडी कार्ड भी ठीक से काम कर रहा है, तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छा है ये हैं। और इसमें इंटरनल बैटरी भी है, आप एसी से भी चला सकते हैं, दो डी सेल भी डाल सकते हैं, यूएसबी से भी चल जाता है। मेरे यूएसबी क्यों नहीं चल रही है मुझे नहीं मालूम है, बट मैं इसको दोबारा से टेस्ट करूँगा मे बी नेक्स्ट वीडियो में। और कार्ड पे बढ़िया चल रहा है, तीनों रेडियो स्टेशंस जो हैं वो अच्छे पकड़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़िया है, सो एवरीथिंग इज चेक्ड। ओवरऑल छोटा सा बॉम है, क्यूट सा है, और एक्चुअली मैं सही बता रहा हूँ 1500 रुपये में ये जो है ना, ये थोड़ा सा डिज़ाइन वो जो सारेगामा का अगर आपको पता है तो ये थोड़ा सा सारेगामा वाला जो डिज़ाइन है ये सब ने कॉपी किया है। और अभी बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन मिल रहे हैं, पर सारेगामा वाला जो है वो 6500-7000 में आता है। तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इस तरह का एक जो है 16GB का एसडी कार्ड लेते हैं, सारेगामा वाले सारे सॉन्ग उसमें डाल के और एसडी कार्ड में लगा लेते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें इशू ये है कि आपको सिक्वेंशली आगे पीछे जाना पड़ेगा, आप सर्च नहीं कर सकते गाने को अगर आपका माइक्रो एसडी में या यूएसबी में गाने हैं। सो गाइज दैट्स इट, ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है, 1500 में बिल्कुल बुरा नहीं है भाई, तो गुड परचेज आई वुड से, थम्स अप।